आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों इवेंट की पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच से मुतालिक तमाम तर तफसीलात जानने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेले गए मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो ओपनर रोहित शर्मा और शेखर धवन ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों बल्लेबाजों ने पुरेतमाद अंदाज में खेलते हुए ग्राउंड के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक्स खेले और टीम का मजमू स्कोर 127 तक पहुंचा तो रोहित शर्मा कोल्टन नील की गेंद पर कैच आउट हुए। शेखर धवन ने 53, रोहित शर्मा ने 61 गेंदों पर अपनी मिस सेंचुरियां मुकम्मल की। कैंगरोज की फील्डिंग मायूस कुन रही और बैटिंग के दौरान रोहित शर्मा को दो मौके मिले। दूसरी विकेट की शराकत में शेखर धवन और कप्तान विराट कोहली ने 93 रन बनाए। ताहम ओपनर शेखर धवन ने शानदार सेंचुरी और 117 रन बनाकर आउट हुए। धवन के आउट होने के बाद क्रीज पर आने वाले हार्दिक पांड्या ने भी जारहाना खेल पेश किया और 27 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विकेट कीपर बैट्समैन धोनी ने भी जारहाना अंदाज अपनाया और 17 रन बनाकर मार्कोस स्टेवंस का शिकार बने। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी जिम्मेदारों ने बैटिंग की और ग्राउंड के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक्स खेले। विराट कोहली 82 रन बनाकर आउट हुए। खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग की बदौलत भारत ने मुकर्रर 50 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। कैंगरूज की जानिब से मार्कोस स्टेवंस ने 2, पीट कमिंस, मिचेल स्टॉक और नेथन कोल्टन नाइल ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इनिंग का आगाज डेविड वार्नर और एरन फिंच ने किया। पहली विकेट 61 रन की शराकत दारी बनाने के बाद एरन फिंच 36 रन बनाकर रन आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 133 रन पर गिरी जब डेविड वार्नर 84 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने टीम का स्कोर 202 तक पहुंचाया। ताहम इस मौके पर उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर बिमरा की गेंद पर बोल्ड हुए। स्टीवन स्मिथ 69 और मैक्सवेल 28 रन बनाकर हिम्मत हार गए। सातवें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले एलेक्स कारे ने शानदार बैटिंग की और निस सेंचुरी मुकम्मल की ताहम अपनी टीम को फतह से हमकिनार ना करा सके। कारे 35 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाकाबले शिकस्त रहे जबकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 50 ओवर में 316 रन बनाकर आउट हो गई। यूं भारत को 36 रन से कामयाबी मिली। भारत की जानिब से भुवनेश कुमार और बुमराह ने 3-3 जबकि चहल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने अपने दोनों मैच जीत लिए और 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड और दूसरे पर इंग्लैंड है।